31 मार्च को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक घर में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई। इसके दृश्य शेयर करते हुए राइट विंग इन्फ्लुएंसर सहित कुछ मीडिया आउटलेट्स दावा करने लगे कि ये ब्लास्ट मोहम्मद शफीक के घर में हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सुदर्शन न्यूज यूपी ने ऐसा ही दावा किया। द न्यू इंडियन ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो ट्वीट किया। वहीं कई वेरीफाइड यूजर्स ने इस घटना के विजुअल्स ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किए हैं, जिसमें भाजपा समर्थक अरुण पुदुर, सुदर्शन न्यूज से जुड़े जितेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा से निलंबित नवीन कुमार जिंदल, सुधीर मिश्रा, पत्रकार शोभना यादव शामिल है। हालांकि इस घटना के बारे में जांच करने पर हमें दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक बुलंदशहर के घर में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मृत व्यक्तियों में 3 हिंदू और 2 मुस्लिम व्यक्ति शामिल है। इसमें बताया गया है कि ये जमीन सतीश नाम के एक व्यक्ति की थी और ये मकान भी उसी का ही था। सतीश ने इसे राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को किराए पर दिया था। बुलंदशहर के एसएसपी के पीआरओ ने बताया कि घटनास्थल की जमीन और उस पर बना घर सतीश नाम के व्यक्ति का है, न कि किसी मोहम्मद शफीक का। वहीं एयर स्टार ट्रेडर्स कंपनी राजकुमार की थी। ऑल्ट न्यूज को इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर एमएस एयर स्टार ट्रेडर्स कंपनी का ब्रोशर मिला। इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स में राजकुमार नाम के व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। वहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट में कई केमिकल्स और पटाखे के बारे में बताया गया है। यानी बुलंदशहर में जिस घर में ब्लास्ट हुआ था वो किसी मोहम्मद शफीक का नहीं बल्कि सतीश नाम के व्यक्ति का था, जिसने राजकुमार नामक आदमी को घर किराए पर दिया था।